गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मेघा त्यागी एंड दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होल्डिंग इन द ईयर फर्स्ट डिप्लोमा. एंड टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक लिम्फैटिक सिस्टम. लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर फर्स्ट वर्ड आता है लिम्फ. लिम्फ एक टिश्यू फ्लूड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज में जब सब्सटेंसेस फ्लो करेंगे, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब जब फ्लो करेंगे तो लिम्फ बनता है. लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होगा. जब ये जीआईटी के अंदर जाता है तो ये वाइट कलर का बन जाता है. ठीक है, जैसे ये हमारी आर्टरीज हैं. ठीक है, आर्टरीज सब क्लासिफाइड होंगी इनटू आर्टेरियोल्स. अब इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर ब्लड भी है और कुछ सब्सटेंसेस भी हैं. ठीक है, अब अगर ये आर्टेरियल एंड है कैपिलरी का और ये है वेनस एंड कैपिलरी का. ठीक है, इसके अंदर ब्लड था, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स थे, कुछ अमीनो एसिड्स. कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोस. ठीक है, अब इस आर्टेरियल एंड तक इसमें से सारे के सारे जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो सारे इसमें चले जाएंगे. जो आर्टेरियल एंड होता है कैपिलरी का, ये वन लेयर थिक होगा कि इसमें एक ही लेयर होती है एंडोथीलियम सेल्स की. ठीक है, तो इसमें से कुछ सब्सटेंसेस तो पास कर जाएंगे और कुछ इसके अंदर ही रह जाएंगे. जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो इससे परमिट करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वो इसी के अंदर रह जाएंगे. और जैसे कि ग्लूकोस, अमीनो एसिड, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, ये सब निकल के कहाँ चले जाएंगे? टिश्यू स्पेसेस में. टिश्यू स्पेस क्या होता है? जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो होता है टिश्यू स्पेस. तो यहाँ पे सेल्स इन सारे सब्सटेंसेस को ऑक्यूपाई कर लेंगी, इनको यूज़ कर लेंगी, कि जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर इसको परफॉर्म करनी है वो सारी की सारी एक्टिविटी ये इन सारे मिनरल्स को, इन सारे सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके परफॉर्म करेगी. तो अब जब इसमें से कुछ मिनरल्स तो इसने यूटिलाइज कर लिए, कुछ मिनरल यहाँ पे ही रह गए ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर. यहाँ से सेल ने कुछ प्रोटीन बनाए, वो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उनको भेज देगा. और कुछ सेल का जो डैमेज्ड डेड एंड डिकेइंग पार्ट है या सेल डेब्रिस है वो भी ये इसके अंदर इसको रिलीज कर देगा. प्रोटीन हो गया, सेल डेब्रिस हो गया. ठीक है, यहाँ से ग्लूकोस, अमीनो एसिड, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर थे. ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये फिर वेनस एंड तक पहुंच जाएंगे, वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी. ये था आर्टेरियल एंड. अब वेनस एंड तक मान लो यहाँ से 20 लीटर फ्लूइड हमारा गया है. ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्होंने यूटिलाइज कर लिया, वेनस एंड तक 17 लीटर फ्लूइड पहुँचेगा. तो 3 लीटर फ्लूइड कहाँ गया? कि 3 लीटर फ्लूइड यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ही प्रेजेंट है. अगर हर बार 3 लीटर फ्लूइड का लॉस हुआ तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी. तो इस फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ लिम्फैटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो कि इस सारे जो भी ये फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है इसको यूटिलाइज कर लेगी, और यहाँ पे इससे लिम्फ की फॉर्मेशन हो जाती है. लिम्फ क्या था? ये एक टिश्यू फ्लूइड था जिसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे. जब ब्लड वेसल्स से ये सब्सटेंसेस पास हो रहे थे तो ये लिम्फ बन रहा था. ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल्स से
पास होके यहाँ पे गया, कुछ सेल ने उसको यूटिलाइज कर लिया, कुछ जो है बीच में यहीं पे बच गया। तो उस फ्लूड का लॉस ना हो इसलिए लिम्फैटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो कि लिम्फ को कंटेन करेगी। ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जिसमें WBC भी प्रेजेंट है, मेनली लिम्फ के अंदर WBC प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेंगे। लिम्फैटिक सिस्टम में हमारे मेनली इसका फंक्शन होता है कि ये इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिम्फैटिक कैपिलरीज में लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ नोड्स को हम लिम्फैटिक ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिम्फ की कंपोजिशन क्या होती है। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूड है जिसके अंदर ब्लड प्लाज्मा लिम्फोसाइट्स होंगे, पर उसके अंदर कोई भी प्लेटलेट प्रेजेंट नहीं होगी। इसका जो pH है वो अल्कलाइन होता है। इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय फिल्टरिंग बैक्टीरिया। जब लिम्फैटिक कैपिलरीज में लिम्फ चला जाएगा तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इनको फिल्टर किया जाता है लिम्फैटिक ऑर्गन्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, ताकि इसमें से सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह निकल जाए और एक प्योर लिम्फ बन जाए। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। इसमें लिम्फोसाइट्स बनते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दो ऑर्गन होती हैं लिम्फैटिक ऑर्गन, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में सारे के सारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस तो होंगे बोन मैरो के अंदर, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर भी बोन मैरो के अंदर होंगे, और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होंगे थाइमस के अंदर, ठीक है। ये दोनों की दोनों ऑर्गन प्रोडक्शन करती है लिम्फोसाइट्स का और मैच्योरेशन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूड फ्रॉम टिश्यूज बैक टू सर्कुलेशन। जो एक्सेस फ्लूड यहाँ पे बच गया था इसको सर्कुलेशन में वापस लेके जाने के लिए लिम्फैटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो इसका ये फंक्शन है कि जो भी एक्सेस फ्लूड यहाँ पे प्रेजेंट है ये इसको सर्कुलेशन में वापस लेके जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल बनाता है, जो सेल डेब्रिस होगा वो वापस से सर्कुलेशन में चला जाएगा, ताकि वो ब्लड जब किडनी के अंदर फिल्टर होगा और वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से निकल जाएंगे, ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। नेक्स्ट है लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम एक क्लोज सिस्टम होता है जिसके थ्रू लिम्फ फ्लो करेगा, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर लिम्फैटिक कैपिलरीज आती हैं, लिम्फ वेसल्स आते हैं और लिम्फ नोड्स आते हैं। लिम्फ नोड्स को हम लिम्फैटिक ऑर्गन्स भी बोलते हैं। जो लिम्फैटिक सिस्टम है वो इनिशियली लिम्फैटिक कैपिलरीज से शुरू होगा। ये एक थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज जिनसे ब्लड फ्लो करेगा। इनके अंदर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, एपिथीलियम सेल की एक सिंगल लेयर होती है। इनके अंदर लिम्फैटिक कैपिलरीज से लिम्फ फ्लो करेगा कलेक्टिंग ट्रंक के अंदर, मतलब लिम्फैटिक कैपिलरीज से लिम्फ फ्लो होता हुआ कलेक्टिंग ट्रंक्स तक जाएगा, और जो कलेक्टिंग ट्रंक्स है वो बाद में लिम्फैटिक वेसल्स में ओपन होती है। इन वेसल्स के कोर्स में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो लिम्फैटिक वेसल्स हैं वो आपस में जुड़ के एक लार्जर ट्रंक को बनाती हैं। ये ट्रंक जो है डक्ट में ओपन होती है, एक राइट लिम्फैटिक डक्ट होती है और एक लेफ्ट लिम्फैटिक डक्ट होती है। जो लेफ्ट लिम्फैटिक डक्ट होगी हम उसको थोरेसिक डक्ट बोलते हैं। ये जो डक्ट हैं ये एक सब क्लेवियन वेन में ओपन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई होती है उनके अंदर स्मॉल लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं, जिनको हम लैक्टियल्स बोलेंगे। ये क्या करते हैं, जो
डाइजेस्टेड फैट है उनको एब्जॉर्ब करेंगे लैक्टियल्स के थ्रू, जिससे कि जो इन वेसल से अगर लिम्फ फ्लो होता है तो उनको हम उसको हम काइल बोलते हैं, और काइल के अंदर ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लिम्फ का कलर वाइट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिम्फ नोड्स या लिम्फैटिक ग्लैंड्स या लिम्फैटिक ऑर्गन्स भी हम इन्हें बोलते हैं। ये स्मॉल ओवल और बीन शेप्ड के ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फैटिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो लिम्फैटिक नोड्स या लिम्फैटिक ग्लैंड्स होते हैं वो यूजुअली ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो मेन हमारे लिम्फैटिक ऑर्गन या लिम्फैटिक ग्लैंड्स होते हैं वो नेक में, एक्जिला में, थोरेक्स में, एब्डोमेन और ग्रोइन में प्रेजेंट होते हैं। लिम्फैटिक ग्लैंड के स्ट्रक्चर में एक कॉनकेव बॉर्डर होता है जिसको हम हाइलम बोलेंगे। एक जो आउटर लेयर होती है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल के अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैबक्यूला बोलते हैं, और ट्रैबक्यूला नोड्स को, मतलब जो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो नोड्स से निकलते हैं उनको इरेगुलर स्पेसेस में डिवाइड कर देती है। जो ट्रैबक्यूला के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लिम्फोइड, इसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लिम्फ नोड के फंक्शन। ये सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है अगर लिम्फ में तो ये उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। ये लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और जब लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो एक प्रोटीन बनता है ग्लोबुलिन, जैसे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उनसे एक प्रोटीन बनेगा ग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फैटिक डक्ट। लिम्फैटिक डक्ट मैंने दो बताई थी, एक थी राइट लिम्फैटिक डक्ट, एक है लेफ्ट लिम्फैटिक डक्ट। जो लेफ्ट लिम्फैटिक डक्ट है हम उसको थोरेसिक डक्ट बोलते हैं। बाकी जो लिम्फैटिक ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी की वो है स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पेयर पैचेस इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। फर्दर ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द टॉपिक लिम्फैटिक सिस्टम। थैंक यू।